फरुखाबाद में खूनी खेल से एक बार फिर दहला फरुखाबाद। आपको बता दें कि कायमगंज थाना क्षेत्र के ग्राम रायपुर निवासी पप्पू उर्फ रामदास उम्र लगभग 35 वर्ष अपने घर से गायब थे। परिजनों ने गायब होने की सूचना थाना पुलिस को दी और खोजबीन की, लेकिन आज सुबह थाना क्षेत्र के रायपुर मंसूर नगर मार्ग पर रामदास का शव खून से लथपथ मिला। दरअसल कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के गांव रायपुर निवासी पप्पू उर्फ रामदास लगभग 35 वर्ष का शव आज सुबह उसके भतीजे ने देखकर अपने पिता को बताया कि चाचा की हत्या कर दी गई है। गांव के रायपुर नगर मंसूर नगर मार्ग पर खून से लथपथ पड़ा था, जिसकी गर्दन पर चाकुओं के निशान थे। परिजनों ने सूचना थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन कर फॉरेंसिक टीम ने मौके पर नमूने एकत्रित किए, शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहाँ पर साहब कोई नहीं है, जिस वक्त तो किसी ने मार दिया, कोई पता नहीं लग रहा है, जाँच कराई जाए साहब। किसने मार दिया अब जी पता नहीं, कोई शक वगैरह किसी पे है? कोई शक वगैरह किसी पे है? अब शक वगैरह क्या साहब, जे चार गांव पड़ रहे हैं, रायपुर बैलूलपुर मंसूर नगर औजन नगर, जे साहब इन्हीं के बीच में साहब किसी ने मारा हुआ। अच्छा उस टाइम ये कहाँ गए हुए थे? मंसूर नगर गए थे। अरे भैया कहाँ? मंसूर नगर दारू पीने। सुनाई पड़ रहा है उधर अभी गए थे? हाँ। क्या मैटर है मतलब ये? अब जी खेत वगैरह कुछ दिया? कुछ नहीं साहब, और अब जी तो भगवान जाने क्या मैटर बना है जी। आपके भाई है? जी भाई है साहब। कितने भाई है? चार भाई हैं। तो आपको सूचना कैसे हुई? जी हमारे भतीजे ने बताया कि सुबह आया खेत पे तो उसने देखा, जब वो वापस लौट गया उसने भाई चचा को मार डाला किसी ने। आपने सूचना कोतवाली पुलिस को दी थी? हाँ जी सर, हमने कोतवाली सूचना दी। बोलो पूछ लो। नाम क्या है? धनीपाल। कहाँ रहते हो? रायपुर। ये कौन है आपके भाई? क्या नाम इनका? रामदास। अच्छा ये करते क्या थे ये? जी साहब अपने बहन के यहाँ रहते थे, जब मजदूरी वजूरी करते थे, अपने बच्चों को भी खिलाते थे, अपने पीने खाने के लिए पैसे भी कर लेते थे। शादी हो गई है? शादी हो गई है। इनकी पत्नी कहाँ है? बड़े कासगंज है। पत्नी इनका कासगंज है? कासगंज है। तो वही रहते थे? हाँ आ रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।